आजम खान साहब दोषी हैं, लेकिन अगर उन्होंने समाज के लोगों के हाथ में कट्टा बंदूक गोली तमंचा पकड़ाते तो शायद दोषी ना होते। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खोल करके बहुत बड़ा जुल्म किया सरकार की नजर में। दोस्तों इस वक्त मैं लखनऊ में और आज बात होगी आजम खान को लेकर। आजम खान जेल में बंद है, वो लगातार परेशान है। वो बता रहे हैं कि आजम खान बता रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है। सुबह 4:30 बजे उनको जेल से जगाया जाता है, दूसरी जगह लिया जाता है, तो उनका दर्द सामने झलक कर सामने आया है। वो कहते हैं हमारा इनकाउंटर हो सकता है। क्या यूपी में लगातार इस पर अखिलेश यादव से जब बातचीत की, वो बता रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से उनको ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर हमारे बीच बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के नेता जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कुछ क्या कहना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद अकील खान, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। आजम खान साहब जेल में बंद है, परेशान है, पीड़ित है। सुबह 4:30 बजे उनको जेल से दूसरे जेल लिया जाता है, तो वो कहते हैं हमारा इनकाउंटर हो सकता है। उनको ये डर कैसे उनके दिल में आया? देखिए, आपके चैनल पर काकोरी दंगल चैनल, जहां तक मैं जानता हूं, जमीनी हकीकत से रूबरू होकर के बात करते हैं। और जहां तक बात आजम खान साहब की है, तो इस सरकार की नज़र में सबसे बड़े वो दोषी हैं। और दोषी इस नाते हैं कि आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने मुसलमानों के हाथ में जो कलम देने का काम किया, सबसे बड़ा दोष उनका ये है। क्योंकि आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं, आजम खान साहब दोषी हैं, लेकिन अगर उन्होंने समाज के लोगों के हाथ में कट्टा बंदूक गोली तमंचा पकड़ाते तो शायद दोषी ना होते। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खोल करके बहुत बड़ा जुल्म किया सरकार की नजर में। लेकिन एक बात कही जाती है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे में, और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा समाजवाद के नारे से। तो आज सत्ता में बैठे हो, जो मर्जी आए वो कर लो, लेकिन कल यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा जनाब योगी आदित्यनाथ साहब संसद भवन के अंदर भों भों रो रहे थे, बहुत से लोगों ने देखा था। तो आज जो आप कर्म कर रहे हो, कल इसको भुगतने के लिए आप भी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि आजम खान साहब कोई छोटा सा पेड़ है जो उनको उखाड़ के कोई फेंक देगा। ठीक है, सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर लो, लेकिन न्यायपालिका पर जितने लोग हैं सबको भरोसा है, लेकिन जो न्यायालय में भी बैठे लोग ऐसे ऐसे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के माइंड के लोग हैं, जो ईमानदारी और निष्पक्ष कार्रवाई जो सबसे ज्यादा इसमें जो इन्होंने पासपोर्ट की और इसका जन्म तिथि की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सजा जब एक है, तो तीन लोगों को सजा क्यों हुई है? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसने बनवाया वो अगर दोषी है तो बनाने वाला भी दोषी है, उसको आज तक क्यों कार्रवाई उसके खिलाफ हुई? जिन लोगों ने उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जितने दोषी अगर आजम खान साहब हैं, अब्दुल्ला आजम हैं और उनकी बेगम हैं, उससे ज्यादा दोषी लोग जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र जारी किया वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जब बदले की भावना से कोई काम होगा तो इसी तरीके का न्याय होगा, और न्याय ये नहीं है, ये सरकार और सत्ता में बैठे लोगों का अन्याय है। तो अन्याय कब तक करोगे? जब तक सत्ता में हो। सत्ता में अगर आज आप हैं और सत्ता का बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कल फिर आप भी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, फिर जिस तरीके का आप बोगे, अगर अपने फसल के लिए खेत में गेहूं बोगे तो फिर गेहूं ही काटोगे। आज जो तुम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ और विपक्ष के लोगों के साथ में बदले की भावना कार्रवाई कर रहे हो, तो इससे आप भी सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं कि अगर आज आप आजम खान को प्रताड़ित आप कर रहे हो, सबसे हाईएस्ट जो सजा होती है, सबसे ज्यादा ज्यादा जो संविधान ने जुर्माना दिया है वो आपने लगा दिया। आप 6 महीना भी कर सकते थे, साल भर भी कर सकते थे, 2 साल भी कर सकते थे, लेकिन आपने जो
एक तरफा कार्रवाई की है, किसी से साक्ष्य नहीं, किसी सबूत नहीं, जो मर्जी आओ कर दो। तो इन सब चीजों का अन्याय का अंत होता है, लेकिन जब आपका अंत आएगा तो फिर लोग आपसे भी इसी तरीके के सवाल और जवाब करेंगे। आजम खान की तो कट जाएगी, आजम खान साहब की तो कट जाएगी, लेकिन आने वाला समय वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सवाल ये है, क्या यूपी में मुसलमान होना अपराध है क्या? नहीं, मुसलमान होना अपराध क्या है, लेकिन जब बदले की भावना से कार्रवाई होगी, अगर आप बहुत बड़े ईमानदार आप योगी अपने कहलाते हैं और ईमानदारी और निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करिए। मैं समझता हूँ आप ईमानदारी की बात नहीं करते हैं। आप जहाँ पर नाम आता है मुसलमान का, वहाँ पर आप बदले की भावना करते हैं। हर जगह पे आप हिंदू और मुसलमान को सिख से ईसाई को उससे लड़ाने का काम करते हैं। तो ये बदले की भावना से जो कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अभी देवरिया में घटना घटी थी तो यादव समाज प्रेमचंद के समर्थन में बिल्कुल उतर पड़ा था, देवरिया जा रहे थे, कई यादव संगठन के लोग गए थे। जब से आजम खान साहब जेल में गए, उनसे आज तक अभी तक कोई मिलने नहीं गया है। नहीं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये आपका कोई उससे देवरिया के और इस मैटर से क्वेश्चन अलग अलग है। ये आप गलत कमेंट कर रहे हैं। ये न्यायिक प्राणी की बात है और उनके साथ तो जबरदस्ती की जा रही थी वहाँ का। पहले सुनिए, आप बिक्कर में बात करिए, आप साइडर बहु कर बात मत करिए। वहाँ पर जो बात हो रही थी प्रेम यादव जी के साथ में, वो घटना दूसरी है और माननीय आजम खान साहब की घटना दूसरी है। तो वहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी और अन्य लोग वहाँ पर पक्ष न लिए होते प्रेम यादव का, तो हो सकता है ये जुल्मी सरकार उनका भी मकान गिरा देती। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने यूनाइट होकर के एक साथ उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके, भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब प्रेम यादव के परिवार से मिलने अगर गए, तो दुबे परिवार से भी जाकर के मिले। वो नहीं मिलने के समय दिया, एक अलग का विषय है, लेकिन उनकी मनसा में कहीं बदले की भावना नहीं थी। लेकिन अन्य लोगों जो गए, वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या वहां का जो देवरिया का विधायक सलमणि त्रिपाठी, उसने वहां पर जाति और धर्म का फंडा जो चालू किया, ये इनकी मनसा थी कि वहां पर जाति और मजहब और धर्म को ला करके इस तरीके कार्रवाई करने काम किया है। तो वहां की कार्रवाई से, और ये न्यायपालिका की कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई है, इसमें अभी समाजवादी पार्टी और तमाम आजम खान साहब के वकील हैं, ये सब अभी जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको जेल में हो गए तो जेल हो गई। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी सिर्फ यूज करती है, आजम खान साहब के लिए सड़कों पर कब उतरेंगे आप लोग? ये आपको कहां से लाए हो ये? बीजेपी के लोग? नहीं, नहीं, कौन बीजेपी के लोग? बीजेपी के लोग माना है कि अगर कोई यादव होता तो अत्यंत समाजवादी पार्टी धरने पर बैठ जाती। आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या बड़े बड़े नेता सड़कों पर क्यों नहीं उतरे आजम खान साहब के लिए? ये आपका कमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। गलत है तो कोई 100% ये आपका कमेंट गलत है। आजम खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमे रजिस्टर्ड है, वो अब ये बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, और उसके बाद आजम खान साहब ने क्या कोई शराब का ठेका लूटा? वहाँ शराब का ठेका लूटने का भी मुकदमा दर्ज है। तो वहाँ पर जो रामपुर जिला प्रशासन है, अगर जो वहाँ मौजूदा रामपुर के विधायक मौजूदा है जो चुनाव में जीते हैं आकाश सक्सेना, अगर उनकी हैसियत है वो चुनाव नहीं जीते हैं, वहाँ का जिला प्रशासन ने उनको चुनाव जितवा दिया है सरकार के दम पर। और जो वहाँ के सांसद उनके आजम खान साहब के हटने के बाद में जो सांसद महोदय जीते हैं उनके साथ भी यही किया है। और अभी 2024 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वहां पर क्या स्थिति है। तो इन सब बातों पे मत जाइए, जो वो न्यायिक प्रक्रिया है वो अलग का विषय है। और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं, सब जनाब आजम खान साहब के साथ में है। ये जो लोग बहकाने काम कर रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी के साथ में आली जनाब मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब के जमाने से मुसलमान उनके साथ में था और आज भी उनके साथ में है। वो जो पसमानदा और बैकवर्ड और ओबीसी को अलग करने सोच रहे हैं, तो वो उनकी एक गलत फहमी है। मुसलमान 100% में 90% आज भी समाजवादी पार्टी के साथ में है। और जब तक अखिलेश जी हैं और समाजवादी पार्टी, तब तक मुसलमान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। ये बिल्कुल भूल जाइए कि आजम खान साहब की वजह से, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं,
समझ रहे, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, जब से वो समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं, और अब उनके बेटे, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है तो न्यायपालिका का अभी और जाएंगे, उनके साथ तमाम अधिवक्ता हैं, ये सब उनके साथ में जाएंगे, अभी बहुत से पायदान बाकी है, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक की जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि उनको जेल में डाल दिया, पूरा समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर के। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आजम खान साहब जी साहब से जेल में है, परेशान है, उनको सुबह 4:30 बजे ले जाया जाता है तो वो कहते हैं हमारा इनकाउंटर हो सकता है, तो ये सवाल है जो उन्होंने अपने दिल से कहा हुआ, ये दर्द है जो बाहर झलका है, ये उन्होंने खुद कह रहे हैं, क्या आजम खान साहब को न्याय मिलेगा, कब तक न्याय मिलेगा, कब तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि मुसलमान को समाजवादी पार्टी सिर्फ यूज करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।